हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। देखिए अंजीर, इसका क्या बना रहे बोले तो, अंजीर का मीठा बहुत ताकत की चीज़ है। देखिए अब मौसम है अब लेने का, ये अंजीर का अंजीर आता है ये मौसम में। अल्हम्दुलिल्लाह रिज़क में आलादा फरमाए, इसका मैं मीठा बनाऊंगी। कैसा कैसा बनाते हैं वो तरीक़ा मैं बता दिया आप लोग को, बहुत अच्छा रहता। इसको सूखे अंजीर से भी, इसको भिगने डाल के भी अंजीर से औसा भी बनाते, इससे बनाए तो और अच्छा होता टेस्ट, वो भी अच्छा रहता अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह। देखिए अंजीर के मीठे में मैं ऐसा नए टाइप में बना के बता रही, मिल्क मेट, घी, अजमेरी खलखन, ड्राई फ्रूट्स, शक्कर, ये अंजीर। इसको मैं काट के क्या करी, पूरे थोड़ी देर हवा को रखी, थोड़ा सा पानी भी रहा, धोए ना अपन। ये धोने से क्या होता, थोड़ा पानी पानी रहता है, बहुत देर सूखने डाली इसको ऐसी। ये पूरा मीठे का, अंजीर के मीठे का पूरा मटेरियल, मिल्क में घी, शक्कर, खोआ, ड्राई फ्रूट्स, अंजीर। अब कैसा कैसा बनाना ये मीठा अंजीर का मैं बताती हूँ आपको। इसमें इलायची का पाउडर, थोड़ा इलायची का पाउडर, अब अपनी मर्जी क्या भी डाल लो इसके अंदर टेस्टी। ठीक है, तीन दो तीन चमचे डाली घी डाल के क्या करिए, थोड़ा ड्राई फ्रूट्स अंजीर का मीठे के लिए थोड़ा थोड़ा ड्राई फ्रूट्स तल ले रही, ज़्यादा लाल नहीं तलना, ज़्यादा अभी कच्चे नहीं बने मिल जाए। देखिए ड्राई फ्रूट्स तल दी, इसके बाद क्या करी बोले तो, मैं थोड़ा सा अंजीर को थोड़ा आधे पेस्ट बना ली, इधर आधे रखी, आधा पेस्ट बना ली। अब ये घी के अंदर ये अंजीर का पेस्ट डाल दे रही, आधी कटोरी, आधी कटोरी बोले तो अतपो से थोड़ा बढ़ के, इसको अच्छा सा पक लेना थोड़ा सा, अच्छा सा पक गया इसके अंदर। उसके बाद मैं थोड़े आधे रखे से बताती हूँ आप लोग को, इसमें मिल्क मेट बहुत अच्छा होता। देखिए टेस्ट मैं नए टाइप से बता रही, खाली शीरे में पका के तो ज़्यादा सा अंजीर का मीठा, खाली शीरे में पका के इलायची डाल देते, मैं ऐसे टाइप में बना के बता रही। ऐसा भी शक्कर के पानी में दूध डाल के बनाए तो बहुत अच्छा रहता। बहुत अच्छा होता है, कंपलसरी इसमें थोड़ा सा दूध का टाइप में आया तो टेस्ट आता, मैं तो नहीं खा सकते खाली ऐसा ऐसा। अच्छा खमीर आ जाना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा देख के अंदाजे से डाल लीजिए। पीसेस ऐसा डाल दे रही, थोड़ा उनको पसंद, ऐसा पसंद थोड़ा पेस्ट बना के पसंद, उसके हिसाब से मैं बना रही। शीरा अच्छा सा पक गया, वो खमीर आ गया, इसके अंदर ये डाल दी मैं इलायची डाल दी, थोड़ा घी बच गया मैं डाल दे रही। बहुत अच्छा था ये, ऐसा वेरायटी में बनाए तो, खाली शक्कर शीरे में बनाने से टेस्ट नहीं आता, इसलिए मैं ऐसा करके बना के नया बता रही आप लोग को। इसके इलायची आधा चम्मच, अंजीर का मीठा, इसके अंदर
ये फलाफन आधा डाल देना। तो अच्छा था ये टेस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट में अलग फरमाए। थोड़ा सा ये पकना, अच्छा अच्छा पक गया था। इसको थोड़ी देर ऐसा दम पे रख देंगे ज़रा। देखिए बन गया अंजीर का मीठा अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें देखिए अंजीर का मीठा बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आधे साबित डाली आधा पेस्ट बनाई अंजीर का मीठा अल्हम्दुलिल्लाह। रिज़्क में आलादा फरमाए, आप लोगों के घर में भी रिज़्क आलादा फरमाए। ठीक है, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स लिखिए कैसा है मीठा। मैं अब नए टाइप का ऐसा बनाई, खाली शक्कर शीरे में डाल के अंजीर डाल के बनाते ना ऐसा नहीं बनाई, मैं अलग टाइप में ऐसा बनाई, ये कैसा है। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी टेस्ट देखी बहुत अच्छा है। ठीक है अल्लाह हाफिज़, दुआ की गुजारिश। इसका मैं जिल्ली बना रही, देखिए बहुत अच्छा विटामिन चीज़ ये, और बहुत ताकत की चीज़ है, बहुत बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद है। देखिए वनस्पति, देखिए मैं इसका दो का जिल्ली बनाती, कैसा बनाना इसका मटेरियल बताती। इसको पूरा सा ग्राइंडर कर लेना है। ठीक है मैं कट करके ग्राइंडर करती हूँ। वनस्पति का पूरा छिलटा निकाल के यहाँ बताऊँ, अरे ये पूरा छिलटा निकाल दी, निकाल के पूरा सा क्लीन करके ऐसा रखी पीसेस। इसको ग्राइंडर करना है, शक्कर नींबू कलर, कलर में डाल पकाते उस टाइम बताती कलर। इसको पूरा ऐसा कर दी मैं, अब इसको ग्राइंडर करना है। जिल्ली बना रही है वनस्पति की जिल्ली, बहुत फ़ायदेमंद है। देखिए बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं भी मीठा बना के नहीं भी खाए बच्चों को तो ऐसा दे सकते, खाली नहीं खा रहे तो जिल्ली बना के दे सकते। ठीक है देखिए आधा नींबू डाली इसमें, आधा ये वनस्पति का जिल्ली। अब ये पकने, थोड़ा सा खमीर आना इंशाल्लाह में थोड़ा सा जिल्ली। मैं इसमें से पूरा कैसा निकालना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वनस्पति का जिल्ली बनाई देखिए, मीठा सा कैसा कैसा बनाना पूरा बताई। नींबू आधा लगा, ब्रेड के साथ खाओ आप लोग। दो का बने, मैं आप लोगों को बताने के लिए दो का बने। जाम का भी ऐसे ही बनाना, नींबू डाल के, और वनस्पति का एक बहुत से बहुत फायदेमंद है। देखिए खाने से भी बहुत अच्छी चीज है, कच्चा बच्चों को भी देना बहुत अच्छी चीज है। यार्स का देखो मैं जिल्ली बनाई अल्हम्दुलिल्लाह, रिज़्क में आलादा फरमा। देखे मैं दो का बना के बताया आप लोग को, ये बहुत अच्छा होता बच्चों को। प्यारे बच्चे देखे वनस्पति पियर का देखिए जिल्ली, ब्रेड के साथ या बन के साथ कैसा भी खा सकते हैं। ठीक है देखिए बिस्मिल्लाह, प्यारे बच्चे देखे पियर्स का देखे जिल्ली, और इसको वनस्पति बोलते हैं। देखे ऐसा लगा देखे, ऐसा ऐसा लगा देखे, इसको ऐसा रख के इसको ऐसा कर, बच्चों को पूरा पक पकड़ लेने नहीं आता ना ऐसा। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए, कमेंट्स करिए, फॉलो करिए, कमेंट्स करिए। देखिए वनस्पति का जिल्ली कैसा है। ठीक है अल्लाह हाफिज़, दुआ की गुजारिश।